आगे बढ़ते हुए इस वक्त की एक और ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान से विदेश सचिव स्तर की बातचीत तभी होगी जब पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद और पीओके पर बातचीत को तैयार होगा। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है। पीओके और आतंकवाद पर बात करने को तैयार, पीओके और सीमा पार आतंकवाद पर पहले बातचीत हो। पाक ने विदेश सचिवों की वार्ता का प्रस्ताव दिया था। मेरे सीनियर एडिटर प्रकाश पांडे मेरे साथ मौजूद है ज्यादा जानकारी के साथ। पाकिस्तान को भारत सरकार ने यह जवाब दिया है, पीओके और आतंकवाद पर बात करने को पहले तैयार हूं। विदेश सचिव स्तर की बातचीत के लिए ये शर्त रखी गई है। प्रकाश बिल्कुल राशिद, हमारे सूत्र जो सरकारी सूत्र बताते हैं कि विदेश सचिव स्तर की जो बातचीत होनी थी, हमारे विदेश सचिव को पाकिस्तान जाना था, पर जिस तरह से पाकिस्तान लगातार हर सतह कर रहा है सीमा पार आतंकवाद, तो अब सरकार ने बिल्कुल दो टूक में जवाब दिया है। हालांकि अभी ये खबरें पूरे तौर पर सरकार की तरफ से सूत्र के हिसाब से पता चल रही है कि सरकार ने साफ तौर से कह दिया है कि जब तक सीमा पार आतंकवाद और पीओके पर आप बातचीत नहीं करेंगे तब तक विदेश सचिव स्तर की बातचीत का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब पहले विदेश सचिव आए थे उसके बाद पठानकोट का हमला हो गया और उसके बाद जो है आपकी कथनी और करनी में जिस तरह का फर्क है, अब उसमें जो है बिल्कुल सरकार ने अपनी रणनीति बदली है। और जिस तरह से पिछले दिनों संसद में भी साफ तौर से गृह मंत्री ने कहा था कि जब बातचीत अगर होगी तो केवल पीओके पर होगी और सीमा पार आतंकवाद से, उसके बाद ये स्थिति पूरी तौर से साफ होती चली जा रही है कि अब भारत सरकार ने अल्टीमेटम दिया है पाकिस्तान को कि जिस तरह से चीजें आपके वहां हो रही हैं, और बलूचिस्तान का भी एक मुद्दा आ गया, उसके बाद जो है पाकिस्तान कहीं ना कहीं बैकफुट पे नजर आ रहा है। ऐसी स्थिति में भारत सरकार ने साफ तौर पे कहा है कि अब विदेश सचिव स्तर की जो भी बात होनी है, जब तक सीमा पार आतंकवाद और पीओके के मुद्दे पर बातचीत नहीं होगी तब तक इस बातचीत का कोई मतलब नहीं है। बहुत शुक्रिया प्रकाश पांडे, मेरे सीनियर एडिटर ये बता रहे थे कि भारत ने वार्ता के लिए शर्त रखी है कि पीओके पर बातचीत होनी चाहिए।